तो टर्की एक चीप ऑप्शन है, यानी $3,500 एक एवरेज अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और सेकेंडली ये कि ये एक गेटवे भी कंसिडर किया जाता है यूरोप के लिए, तो हमारी इंग्लिश अच्छी होती है तो हम लोग एरेस्मस के लिए स्टैंड आउट कर जाते हैं और इसमें स्कॉलरशिप मिल जाती है। आप अगर स्टूडेंट एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट है वो पाकिस्तान में होता है तो वो अपने सारे कम्फर्ट जोन में ही होता है। बेसिकली इधर आने का मकसद ये था ना कि इधर से आगे जाना है, वापस जाने के लिए थोड़ी बाहर निकलना कोई बात ये है ना, एट द एंड के मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, भटक के सही सही exactly. तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, इतने सीवियर कंडीशंस भी आप फेस कर लेंगे कि आप यहाँ से आगे जब यूरोप मूव करेंगे ना, जैसे हमें काफी लोग मिले जो जर्मनी वगैरह से आए तो वो यही कहते हैं अगर यहाँ पे 6 महीने सर्वाइव कर लिया है। अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एमआर पॉडकास्ट। आपकी बड़ी आप लोग कहेंगे कि किधर ले जाते हैं एकदम से मैं गायब हो जाता हूँ वहाँ देख रहा था। अच्छा आप लोग कहेंगे कि यार बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी तुर्की में पढ़ना नहीं चाहिए, खुद आके बैठे हुए हैं, क्या सीन है, क्या सिनेरियो, खुद क्यों बैठे हुए हो फिर, और दूसरों को क्यों आना चाहिए यहाँ पे पढ़ने। एक वीडियो थी उसमें हमने कहा था कि क्यों नहीं आना चाहिए, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स होते ही होते हैं, ठीक है। यहाँ के क्या प्रोज हैं जो यहाँ पर आके इन्होंने सीखे और यहाँ पे क्यों आए और यहाँ पे क्यों आप लोगों को आना चाहिए अगर वो वाले फैक्टर्स जो दूसरे थे वो आपके लिए मैटर नहीं करते तो। ऑन क्यों आना चाहिए, क्या लगता है? एग्जैक्टली बात यही है, कल मुनीब भाई हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जब हम लोग भी आ रहे थे कहीं बाहर जाने का सोच रहे थे और दूसरी कंट्रीज़ की व्लॉग वगैरह देखते थे तो उसके अंदर यही बताया जा रहा था कि नहीं आना चाहिए, तो हम भी यही सोचते थे जैसे अभी आप भी शायद सोच रहे हो कि तो वहाँ पे खुद क्यों बैठे हुए अगर दूसरों को मना कर रहे हैं तो खुद क्यों नहीं आ जाते, खुद वहाँ बैठे हुए हैं और दूसरों को मना कर रहे हैं। तो बेसिकली यही है, एक बैड डिसीजन हमने ले लिया, उसे ओन करते हैं और स्टैंड अप करके आगे की देखें कि अब आगे क्या करना है, गिव अप तो नहीं करना है एग्जैक्टली। तो अगर जो चीज़ हम देख के यहाँ पे आए वो बेसिकली यही थी कि कोविड वगैरह की सिचुएशन चल रही थी, अगर फॉर एग्जांपल इन वर्स्ट केस सिनेरियो तो हर चीज़ का सोचना ही है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर अर्निंग नहीं हो पाती या कुछ भी घर से मंगवाना भी पड़े तो हम लोग यूरोप में कहीं जाएँ तो वहाँ पे कम से कम भी घर से अराउंड 100,000 मंगवाने पड़ते, बट अगर यहाँ पे परमानेंट लिविंग निकालने तो जैसे आपको बताया 30,000-40,000 रुपये मंगवाने पड़ते, तो ये सिनेरियो होते हैं तो इसलिए। और टर्की का वीज़ा भी आसानी से लग जाता है बात ये, और सेकंडली अगर आप वो हैं कि आपके घर से आपके पास फाइनेंस आ रही है तो टर्की एक चीप ऑप्शन है, यानी $3,500 एक एवरेज अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। $3,500 रहने का एक्सपेंस भी कम है, यानी आप पाकिस्तानी 50,000-60,000 के अंदर अय्याशी कर सकते हैं यहाँ पे, और यूरोप के अंदर 100,000 रुपये में आप सर्वाइवल कर सकते हैं। और सेकेंडली ये कि ये एक गेटवे भी कंसिडर किया जाता है यूरोप के लिए, यहाँ पर एरेस्मस स्कॉलरशिप्स काफ़ी आसानी से आपको मिल जाती है क्योंकि टर्किश लोगों की इंग्लिश वीक होती है और उनकी हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है कि इनका यूरोप की यूनिवर्सिटी से पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ होंगी। तो आप यहाँ पे आप पाकिस्तानियों की जैसे इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे आके शुक्र हुआ कि पाकिस्तान में पढ़ गया है, तो इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है। हर कोई यही पूछता है कि भाई पाकिस्तानी इंग्लिश अच्छी कैसे बोल लेते हैं, बात ये कि हमारा पूरा स्कूल करिकुलम इंग्लिश के अंदर होता है, दैट्स व्हाई। तो हमारी इंग्लिश अच्छी होती है तो हम लोग एरेस्मस के लिए स्टैंड आउट कर जाते हैं और एरेस्मस स्कॉलरशिप मिल जाती है, और काफ़ी दोस्त ऐसे जो बैचलर्स के अंदर यानी 4 साल के अंदर 1 से 1.5 साल वो लोग बाहर यूरोप में गुजार के आए, तो यानी एक अच्छा गेटवे आप यूरोप जा सकते हैं आसानी से, स्कॉलरशिप मिल जाती है। अच्छा पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था। आपको क्यों लगता है कि वाई समवन शुड कम टू तुर्की एंड स्टडी इन सब मसलों के बावजूद जो हमने डिस्कस किए पिछली वीडियो में? क्या बोल रहे हैं अच्छा क्या पता नहीं तुर्की में क्या लग रहे थे आप अगर स्टूडेंट एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट है वो पाकिस्तान में होता है तो वो अपने सारे कंफर्ट जोन में ही होता है, मतलब घर में रहता है, खाना पीना शुगर मेला वो उसका चलता रहता है। जब इधर आता है ना बंदा तो उसको जिम्मेदारियों का एहसास होता है, और भी चीज़ें जैसे आपको ये पता होता है कि आपको सेविंग करनी है, रेंट निकालना है, घूमना है तो आपको किस हिसाब से कहाँ जाना है, किस कैसे लोगों से बात करनी है, क्या 10 चीज़ों में बंदे का दिमाग खुलता है इधर। इसलिए अगर आपको कीड़ा है पढ़ने बाहर आने का कीड़ा है तो हम जैसे हमें था तो कोई ऑप्शन नहीं मिला, टर्की मिला, तो टर्की आगे अब एक्सप्लोर किया है। हम लोग दूसरों को बोलते हैं कि नहीं आओ तो वो यही मेरे जैसे दोस्त हैं वो बोलते हैं कि तुम लोग उधर बैठे हुए हो और हमें मना कर रहे हो, तो मैंने बोला अगर आजमाना है चीज़ों को तो फिगर आउट करना है तो अगर कर सकते हो, हिम्मत है तो आ जाओ।
तो ये नहीं कहते कि रोहित जा रहे हो तो वापस आ जाओ, इतना गंद है तो नहीं। बेसिकली इधर आने का मकसद ये था ना कि इधर से आगे जाना है, वापस जाने के लिए थोड़ी बाहर निकलना कोई, मतलब वापसी की कश्तियाँ थोड़ी जला के आए, वापसी की कश्तियाँ जला के आए। ठीक है जी, जो मुझे एडवांटेज लगा है भाई, यू शुड कम एंड स्टडी इन तुर्की अगर आप प्रेफर करते हो, ऑब्वियसली अगर बाहर आने का है जो भी उन्होंने कहा कीड़ा। ये मतलब 19-20 साल के बच्चे हैं ये, और इस 19-20 साल में जब हम बैचलर्स कर रहे थे वहाँ पे, तो टू बी ऑनेस्ट हम इतने मेचोरिटी लेवल हमारा नहीं था। रीज़न यही थी कि एक लिमिटेड एटमोसफेयर में हम पढ़ रहे थे, बाहर की मुश्किलें हमने नहीं देखी थी। सही, डैडी की प्रिंसेस कह लो, पढ़ियाँ कह लो, परे कह लो, वो थे, ठीक है, हमें जिम्मेदारी का एहसास नहीं था, और वो होता भी नहीं है जब तक आपके सर पे चीज़ नहीं पड़ती। बात ये है ना, एट द एंड के मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, भटक के सही सही exactly. तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, गालिब बन गए एकदम से। हाँ तो ये सीन है, अगर लाइफ आसान नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ, लाइफ पाकिस्तान में बहुत ईजी है कम्पेयर टू तुर्की कह लो, जर्मनी कह लो, जहाँ भी कह लो, बट ये है कि आके सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये जो बात ये है कि यहाँ पे इतने सीवियर कंडीशंस भी आप फेस कर लेंगे कि आप यहाँ से आगे जब यूरोप मूव करेंगे ना, जैसे हमें काफ़ी लोग मिले जो जर्मनी वगैरह से आए, तो वो यही कहते हैं अगर यहाँ पे 6 महीने सर्वाइव कर लिया है तो यानी आगे के लिए बहुत हलवा सीन है, क्योंकि आपने वो कंडीशंस देख ली हैं कि जी यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल था, इंग्लिश भी नहीं चलती यहाँ पे, हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज के सीन, लेकिन यहाँ पे सर्वाइवल करना बड़ी हिम्मत की बात थी। ठीक है, तो इन्होंने माशाल्लाह कर भी रहे हैं और किया भी है एक साल, तो आगे जाके ना ये अब माशाल्लाह से आप लोग आगे ही जाओगे, दुआ भी हमारी यही है कि आप इंशाल्लाह आगे ही जाओ, भाई का करम होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं, अगर आपने आना है, स्टडी करनी है, लाइफ को थोड़ा मुश्किल में डालना है, अपने आप को आजमाना है, तो लाजमी आइए, और अगर दूसरे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं यूरोप वाली साइड का, तो आई वुड से कि वो पहला अपना प्रायोरिटी रखें, उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं, जर्मनी आना है तो ओबियसली डू कॉन्टेक्ट मी, हम आपको गाइड करते रहते हैं। ओके जी, ये क्या ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स अस्सलाम वालेकुम, तो यार ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो।